हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज के वीडियो का टॉपिक। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आखिर एंकर्स का फ्यूचर क्या है, एंकरिंग में क्या स्कोप है, इसको लेकर एक वीडियो बनाई है। देखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एंकर बनना चाहते हैं, खास तौर पर न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को एंकर्स के और जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में शायद जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा इसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एंकर होता क्या है। कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उसका जो संचालन करता है, जो उसे प्रस्तुत करता है, उसे हम एंकर कहते हैं। यानी कि कोई भी इवेंट, जैसे आपके घर में अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई फंक्शन होता है, किसी के यहाँ कोई शादी होती है, तो वहाँ पर भी जो एंकर्स होते हैं वो आते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। वो पूरे कार्यक्रम को बांध कर रखते हैं और कार्यक्रम का संचालन करते हैं, वो भी एंकरिंग ही होती है। बस वो एक अलग तरह की एंकरिंग होती है, और टीवी पर जो एंकर बैठा न्यूज़ पढ़ रहा होता है वो भी एंकरिंग होती है, लेकिन वो एक अलग तरह की एंकरिंग होती है। तो इसी तरह से एंकरिंग में बहुत तरह का मतलब अलग अलग काम होता है जो लोग कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स आने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा न्यूज़ का जो स्कोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कितना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स खुलते जा रहे हैं। क्योंकि पहले, आज से 10 साल पहले की बात करें तो इतने चैनल्स नहीं थे, लेकिन आज लगभग मतलब हर एक शहर में अलग चैनल है। रीजनल की बात की जाए तो रीजनल चैनल भी है, लोकल भी है, नेशनल भी है, चैनल्स की भरमार है। जब चैनल्स होंगे तो चैनल्स में काम करने के लिए एंकर्स की भी नीड होगी, इस वजह से एंकर्स का स्कोप जो है एंकरिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ टीवी एंकरिंग में ही स्कोप नहीं है, सिर्फ टीवी पर बैठकर न्यूज़ पढ़ने वाला ही एंकर नहीं होता, और भी बहुत जगह पर लोग एंकरिंग कर सकते हैं। अगर आपका टीवी चैनल में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब ज़माना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया का एक अलग ही दौर शुरू हो चुका है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी एंकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है, जिसके चलते इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं, आज तक आप टीवी पर देखते हैं, टीवी पर लगभग मैं मैक्सिमम सारे एंकर्स की गिनती कर लूं तो 10 एंकर्स हैं जो टीवी पर आते हैं आज तक पर। लेकिन क्या सिर्फ इतने एंकर्स आज तक में हैं? ऐसा नहीं है। आज तक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं द ललन टॉप, उनका यूट्यूब चैनल, आप कहीं भी जब आपकी नौकरी ना लगे तो आप खुद से अपने अंदर उन स्किल्स को डेवलप कीजिए और अपना एक चैनल शुरू कीजिए, जहां पर आप खुद एंकरिंग कर सकते हैं, जहां आपको कोई भी मतलब आपका कोई बॉस भी नहीं होगा, आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आप वहां पर भी काम करके लाखों कमा सकते हैं। तो इस तरह से एंकरिंग का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज तक में द ललन टॉप है, स्पोर्ट्स तक है, आज तक, बिहार तक, यूपी तक, खेल तक, मतलब हर एक तक उन्होंने खोल दिया है। अब इन सब में खबरें आती हैं, इन सब अलग अलग चीज़ों की खबरें आती हैं, तो इस वजह से अलग अलग जगह पर एंकर्स की भी डिमांड होती है। तो ये तो सारे एंकर्स हो गए, साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने भी अपना जो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एंट्री कर दी है, तो यहाँ पर भी एंकर्स की डिमांड होती है। मतलब पहले ये था कि सिर्फ टीवी जो मीडियम है हमारा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, मीडिया है, इसमें ही एंकरिंग लोग कर पाते थे, लेकिन अब जो प्रिंट में काम करते हैं उनको भी इसका मौका मिलता है, क्योंकि सबके लगभग यूट्यूब चैनल्स होते हैं जहाँ पर वीडियोस भी आती हैं और जिसमें एंकर जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास है एंकरिंग के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी आगे तक पहुँच रहे हैं, और उसमें भी एंकर्स की नीड होती है, वहाँ पर भी एंकर्स की भर्ती होती है, आप लोग वहां पर जा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा स्कोप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा मीडियम बनने वाला है आने वाले वक्त में, मतलब बन चुका है हम ये कह सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप इसका और अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब आपको कहीं नौकरी ना मिले, जब आपका कहीं कुछ ना हो, तो आप अपना खुद का एक चैनल खोल सकते हैं, जहाँ पर आप खुद आप अच्छे से काम कर सकते हैं। बस आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो एंकरिंग के लिए चाहिए ही होती हैं, चाहे आप टीवी पर एंकरिंग करें, चाहे आप किसी इवेंट में करें, या आप किसी कंपनी के लिए ही एंकरिंग क्यों ना कर रहे हो, तो ये सारी स्किल्स जो हैं आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको इसके लिए किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि एंकरिंग के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करें, जिसमें आप देखिएगा, फिलहाल वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और साथ ही खुद को आपको प्रिपेयर करते रहना है ताकि जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर डेवलप हो जाएं, और उसके बाद आप
एंकरिंग में एक अच्छा स्कोप जो है वो मतलब बहुत अच्छा स्कोप है एंकरिंग में। आप अच्छा काम कर सकते हैं इस फील्ड में, अच्छा नाम कमा सकते हैं, बस अपने अंदर उन स्किल्स को आपको डेवलप करना है। और वैसे भी आने वाले टाइम में इतना बड़ा इंटरनेट का जो हमारा मतलब ग्राफ है इंटरनेट यूजर्स का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंटरनेट पर नहीं पहुंचे हैं, सोशल मीडिया पर नहीं पहुंचे हैं, तो आने वाले वक्त में वो लोग भी पहुंचेंगे। जब इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा होंगे तो आपकी भी रीच ज़्यादा होगी। आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा कॉन्टेंट दीजिए, अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर कुछ होता है एंकरिंग के लिए, किसी स्किल की ज़रूरत होती है, तो वो है प्रेजेंटेशन की। अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन की एक अच्छी मतलब क्वालिटी है, आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, अपनी को कह पाते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे एंकर बन सकते हो। बस अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते इस फील्ड में खुले हुए हैं। आप किसी कंपनी के लिए एंकरिंग कर सकते हो। मैंने बताया इवेंट्स में एंकर्स की डिमांड होती है, कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती हैं उनके जब इवेंट्स होते हैं वहां पर एंकर्स जाते हैं, होस्ट जाते हैं, बहुत सारे पैसे भी आपको इसके मिलते हैं। अब तो इतना आसान हो गया है कि मतलब आप देख रहे हैं आज के टाइम पे तो नेशनल मीडिया भी जो है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लोग घर पर ही रहकर एंकरिंग कर रहे हैं। चाहे रवीश कुमार को हम एग्जांपल के साथ बता दें, कितना टाइम हो गया कोरोना के बाद से, वो लगातार अपने घर से काम कर रहे हैं और उनका शो उसी तरह से चल रहा है जैसे कोरोना के पहले चलता था। यानी अब टेक्नोलॉजी ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया है कि आपके लिए चीज़ें उतनी कठिन नहीं रह गई जितनी कभी पहले हुआ करती थी। बस शर्तें आपको मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ इस फील्ड में काम करना है ताकि आप भी एंकरिंग में करियर बना सकें। बाकी आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही और आप क्या जानकारी चाहते हैं वो लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर गॉसिप विद गरिमा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि जर्नलिज्म से जुड़े इन्फॉर्मेशन आगे तक बढ़ती रहे, लोग आवाज़ अपनी उठाते रहें और जर्नलिज्म सीखते रहें। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।